I will suggest you that please give us a feedback what you have learned, and the things which you have learned from the courses were beneficial for you or not. And tell our viewers something about your courses. It was beneficial for you or something like that. जो भी तुम्हें लगता है. सर पहले मुझे पता नहीं था कि ग्राउंड स्टाफ कैसे क्या वर्क करता है, ग्राउंड स्टाफ का क्या वर्क होता है. जैसे सर मैंने क्लासेस ज्वाइन किया, मुझे पता चला कि एविएशन इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करना है. कैबिन क्रू के लिए मतलब मुझे पहले कैबिन क्रू बनना था, बट सर मेरे फेस में थोड़ा स्कार्स है वो सब है, तो मैं माइट भी रिजेक्ट हो जाता. बट सर जैसे कि मैं ग्राउंड स्टाफ में रह के 6 महीना 7 महीना वर्क करके फिर मैं इंटरव्यू के लिए जाएगा तो बेनिफिट होगा, वो सब मुझे पता चला एविएशन लाइफ मतलब क्लासेस ज्वाइन करके. ना तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है, टेक अ सेफर साइड यार. अच्छा फीमेल हो तो ना तो समझ में आता भी है. ठीक है, कितने सारे इंटरव्यू चल रहे हैं लगातार, डेली के डेली इंटरव्यू चल रहे हैं, जा रहे हैं इंटरव्यू निकाल रहे हैं, लगातार हो रहा है ना. आज यहाँ देते कल वहाँ देते. बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि डोंट प्ले दिस काइंड ऑफ गेम्स इफ यू आर अ मेल. इफ यू आर अ फीमेल यू कैन प्ले दिस काइंड ऑफ गेम्स बिकॉज कंटिन्यूअसली वैकेंसी आर देयर. इफ यू आर अ मेल डोंट प्ले दिस काइंड ऑफ गेम्स, टेक अ सेफर साइड, डू स्टडी द थिंग्स, डू जॉइन एन एज अ ग्राउंड स्टाफ आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ, देन स्विच द कंपनी. जहाँ जाना है कतर, एमिरेट्स, एतिहाद, जहाँ अप्लाई करना है वहाँ करो. एवरी टाइम विल बी गेट सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज, द चांस ऑफ सेलेक्शन विल गेट इंक्रीज. तो ये अगर तुम गेम देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा रदर दैन की वो अलग गेम. तो वही यश है ना, ऑल द बेस्ट. अभी पुणे की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, CV दूंगा मैं फटाफट से, पुणे के लिए अप्लाई करो है ना, और ऑनलाइन अप्लाई करो फटाफट से, तुम्हें तो हर एक चीज़ पता ही है. और वहाँ के बाद फिर पुणे में जाओ इंटरव्यू देने के लिए, तो यू कैन इजीली क्रैक दैट अगेन, देन चूज द सेम थिंग एंड जस्ट डू फॉलो द थिंग व्हिच वी हैव टॉट इन द क्लासेस. तो तुम आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे यार.